राजस्थान के पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास शुक्रवार रात को चाकूबाजी की घटना में घायल हुए आरएसएस कार्यकर्ताओं से मिलने एसएमएस अस्पताल पहुंचे। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने सीएम भजन लाल शर्मा का नाम लेते हुए पूछा कि राजस्थान की राजधानी में अगर आरएसएस का कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं है तो कौन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं हूँ अभिजीत शर्मा। खाचरियावास ने एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में कहा कि शांति से मंदिर में बैठकर धार्मिक कार्यक्रम करने वाला आरएसएस का कार्यकर्ता ही अगर राजधानी में सुरक्षित नहीं है तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जमीन पर उतरकर देखना चाहिए। मगर सीएम कहाँ हैं? हम तो उन्हें ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान में नहीं रहेंगे क्या, या फिर जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका में ही दौरे करते रहेंगे? राजस्थान में बीजेपी की ये सरकार आरएसएस ने बनाई है। राजस्थान की जनता ने पूरे इन्वेस्ट बीजेपी पर कर दिया है, लेकिन जयपुर में ही एक लैंड माफिया आरएसएस के लोगों को चाकू मार देता है और इन लोगों को पता भी नहीं चलता कि क्यों मारा। सुनिए खाचरियावास ने क्या कुछ कहा। सर, शांति से प्रोग्राम कर रहा है, यदि आरएसएस का कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को थोड़ा जमीन पर उतरना चाहिए। मुख्यमंत्री जी मिल ही नहीं रहे, हम तो ढूंढ रहे हैं। ये है राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान में नहीं रहेगा क्या? जर्मनी, जापान और इंग्लैंड, अमेरिका में दौरे करेंगे क्या? आरएसएस ने बनाई है बीजेपी की सरकार, पूरा इन्वेस्ट राजस्थान की जनता ने बीजेपी पर कर दिया। अब मैं सबको कहता हूँ, अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं, घटना और अपराध उसके खिलाफ सबको खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। आज बताओ, सेंट्रल जेल से लोग धमकियां दे रहे हैं, वो बाबा जगदीश को मार दिया, वहां एक्स मिनिस्टर है, नेता ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बचेगा कौन? चाहे जैसे कोई जेल से धमकी दे रहा है, कोई बाहर से धमकी दे रहा है, लैंड माफिया की जमीनों पर कब्जे करते हैं, वो लोग खुले उनको आरएसएस वालों को चाकू मार गए, अरे उनको पता ही नहीं क्यों मारे। मैं जानता हूँ उनको, उनके पिताजी को जानता हूँ, घर के लोग हैं सारे। चुनौती आप समझ, कानून व्यवस्था को लेकर मैं और मेरी पार्टी लगातार कह रहे हैं, मैं कोई राजनीतिक भाषा से नहीं कह रहा, कानून व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, संभालनी पड़ेगी, और सरकार चलाने से चलती है। अपने आप तो राम भरोसे है, फिर आप राम भरोसे सरकार चलाना चाहो तो राम जी की तो कृपा सबके ऊपर है, लेकिन राम जी ने ये कहा है क्या? राम राज्य तब आता है जब आप ईमानदारी से अपना शासन करो। अपराधियों में डर पैदा होना चाहिए, और वो डर पैदा करने के लिए आरएसएस वालों की चोट लगी, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। और वैसे तो इनके एमएलए सारे खड़े हो जाते हैं मैदान में, अभी यही मामला कोई मुसलमान कर देता झगड़ा हो जाता तो फिर देखो, ये पूरे जयपुर की सड़कें सरकारी जाम कर देती। अब करो महाराज, हिंदू हो या मुसलमान, अपराधी अपराधी होता है। अभी वो वहां पे वो बेचारे उसकी उसे दिनेश स्वामी के लगे सारे एमएलए पहुंच गए वहां, वो हंगामा करके थका दिया नहीं, उसको एक रुपया नहीं दिया उसके परिवार को, दिनेश स्वामी के परिवार। अब कहाँ है वो? जयपुर की सड़कों पर माहौल बिगाड़ना है क्या? कानून व्यवस्था को ठीक करनी है। बीजेपी के लोग हूँ, कानून व्यवस्था ठीक करो, जयपुर का बेटा हूँ मैं, मेरी जिम्मेदारी है। आरएसएस के वाले के चोट लगेगी तो भी संभालेंगे, बीजेपी वाले की लगेगी तो भी संभालेंगे, कांग्रेस वाले की लगेगी तो भी संभालेंगे। अपराधी कोई भी हो, पूरी कांग्रेस पार्टी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शुरू से कह रही है कि ये अपराधी होने चाहिए और कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए कांग्रेस के।